न्यायालय के आदेशों के बाद सदर थाने में अलग अलग मामलों में बरामद अवैध शराब के निस्तारण की कार्यवाही की गई। आबकारी अधिकारी एवं सदर थाना अधिकारी की मौजूदगी में करीब 35 मामलों में जब्त हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। बाड़मेर सदर पुलिस और राज्य आबकारी विभाग द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई में जब्त की गई 35 मामलों में जब्त की गई अवैध शराब नष्ट करने का आदेश बाड़मेर न्यायालय ने दिया, जिसके बाद सदर पुलिस एवं राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुवार को सदर थाना परिसर में बुलडोजर चलाकर इस शराब को नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में विभिन्न मामलों में शराब जब्त की गई। इसी तरह आबकारी विभाग की विभिन्न मामलों और जब्ती की कार्रवाई में जब्त अवैध शराब को न्यायालय के आदेशों के बाद गुरुवार को सदर थाना परिसर में इस शराब को निस्तारित किया गया। श्रीमान एसपी साहब द्वारा चलाए जा रहे मालखाना आइटम निस्तारण के संबंध में न्यायालय से 35 प्रकरणों में आदेश करवा कर आज श्रीमान आबकारी अधिकारी द्वारा निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। कितने मामलों का है? 35 पूरे दिन में जब्त जो अवैध शराब थी माननीय न्यायालय के आदेश में आज पुलिस थाना सदर है उसमें 35 प्रकरणों में मालखाना नष्ट किया जा रहा है। कितने मामलों का सर ये? 35 प्रकरणों में। इस कार्रवाई में राज्य आबकारी विभाग के अधिकारी सदर के थाने अधिकारी अनिल कुमार समेत विभिन्न कार्मिक एवं पुलिस कर्मी मौजूद रहे।